ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस जिसमें सीजीआई ने देश में इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं। देश में कोरोना के हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। सीजीआई ने कहा कि हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हैं। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम आपदा से निपटने के लिए नेशनल प्लान चाहते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर आपदा से निपटने के लिए किए जा रहे युद्ध स्तरीय उपायों पर जानकारी मांगी है। अब कल शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। केंद्र सरकार अपनी त्वरित योजना के साथ कोर्ट में जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई, दवा की उपलब्धता और वैक्सीनेशन को लेकर नेशनल प्लान और अर्जेंट एक्शन प्लान की जरूरत है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ डिटेल में कहा गया है इस ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा? संजय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में साफ कहा है कि ये अभी नेशनल इमरजेंसी का मामला ऐसा लग रहा है। सुनवाई चल रही थी इस मामले में, वेदांता मामले को लेकर, जिसमें तूतीकोरिन में उनका ऑक्सीजन प्लांट है, जिसमें वो कह रहे थे कि उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए और 24 घंटे उसको काम करने के लिए उनको परमिशन की जरूरत है। बात इस पर हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर यह कहा कि वो इस पर सुओ मोटो ले रहा है, और सुओ मोटो लेते हुए कोर्ट ने हरीश साल्वे को इस मामले में कोर्ट का सलाहकार यानी अमाइकस क्यूरे नियुक्त किया है। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे कहा कि 24 घंटे में वो जवाब दाखिल करे। कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा और इस मामले में केंद्र सरकार अपनी त्वरित योजना के साथ उपस्थित होगी और वो बताएगी कि आखिर उसके पास क्या एक्शन प्लान है, कैसे पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी या फिर जो वैक्सीनेशन प्लान चल रहा है उसको लेकर, बाकी अन्य उपायों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है, उस बारे में कोर्ट को बताया जाएगा। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई है देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की स्थिति पर, और उससे पार पाने के लिए सरकार के पास क्या उपाय है इसके बारे में भी जानकारी मांगी है। जवाब कब तक मांगा गया है संजय? इस पूरे मामले में जिस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया है कोर्ट ने, पूछा है कि क्या तैयारियां हैं? कल शुक्रवार को सुनवाई शुरू होने के पहले केंद्र सरकार आपको अपने जवाब के साथ हाजिर रहना पड़ेगा और कोर्ट के तमाम सवालों का जवाब देना होगा। कोर्ट बहुत सारी ऐसी चीजें पूछेगी जो योजनाएं केंद्र सरकार बनाई बताएगी। कोर्ट उसमें सभी चीजों पर क्लैरिफिकेशन चाहेगा कि आखिर इस योजना के लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए, इस पर एक्शन लेने के लिए इनके पास उपाय क्या है, क्या इंतजाम है। सिर्फ योजनाएं नहीं, योजनाओं के साथ एक्शन प्लान क्या है उस पर भी कोर्ट सरकार से जवाब चाहेगा, और ये चाहेगा कि जो सरकार एक्शन प्लान बता रही है उसका सही सही अमल हो, कैसे अमल होगा, कैसे उस पर सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें कल साफ हो जाएंगी। देश में इमरजेंसी जैसे हालात, ये सीजीआई का ऑब्जर्वेशन है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी, क्योंकि ये इमरजेंसी हालात एक दिन के तो है नहीं, बीते कई दिन से चले आ रहे हैं। ऐसे में एक्शन प्लान जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पर अब केंद्र सरकार को जवाब देना है, और साथ ही सिलेंडर्स की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी जिस पर लगातार कोर्ट सख्त से सख्त टिप्पणी दे रहा है, उस पर भी जवाब दे। जी हाँ बिल्कुल, चार चीजों पर केंद्र सरकार जवाब देगी। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई और उत्पादन को लेकर, दूसरे कोविड पेशेंट्स के नियमन और उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इसको लेकर, तीसरा ये कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का क्या प्रोग्राम है, कैसे इसको जल्दी से जल्दी तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, और चौथा ये कि लॉकडाउन या बाकी अन्य उपायों को लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। इन चार चीजों पर केंद्र सरकार को जवाब देना है, और सुप्रीम कोर्ट इससे संबंधित सरकार की योजनाओं पर और भी काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर इस पे, इस योजना पर अमल के लिए उनके पास उपाय क्या है। एक एक चीज साफ करने की योजना है, यानी यहाँ पर कोर्ट सारी चीजें सरकार से ये भी जानेगा योजना क्या है और उपाय क्या है, इसके लिए अमल कैसे करेगी सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया।